नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। चलिए प्रसन्नता के साथ, हमारे समक्ष प्रश्न है, यदि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बने? यानी 50 ग्राम में 1 गिलास शक्कर बनता है तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेंगे, यह पता करना है। यानी 1 किलोग्राम में 50 ग्राम कितने हैं, उतने ही आपके शरबत के गिलास होंगे। चलिए, दिया है 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अतः 1 किलोग्राम शक्कर में कुल शरबत के गिलास बनेंगे 1000 ग्राम बटे 50 ग्राम। ऊपर वाले शून्य से नीचे वाले शून्य गई और 5 से 100 भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, क्या उत्तर आया? 20। अतः 1 किलोग्राम शक्कर में 20 गिलास शरबत आपके बनेंगे। यह रहा हमारे प्रश्न का उत्तर।